5 today we're going to start with lecture number 14. Today we will solve mixed operations. In previous lecture we will solve operations of multiplication and division. In this lecture we will solve mixed operations. यानी कि एक ही sentence में आपके पास four operations आ रहे हैं, addition, subtraction, division का, multiplication का आ रहा है. इस question में देखें subtraction का, division का and multiplication का आ रहा है. So अगर एक सेंटेंस में आपके पास ऐसे मिक्स्ड ऑपरेशन हो तो आपने इसको लेफ्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, लेकिन आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेशन है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है. सो यहाँ पे देखें हमारे पास है 5 + 10 / 2 / 12. तो उन्होंने तो हमारे पास जो है हमने सबसे पहले इसको डिवीजन का सॉल्व करना है. तो ये 5 + हम इसी तरह सेम चीज़ लिख लेंगे. तो सबसे पहले हमने डिवीजन का जो है सॉल्व परफॉर्म करना है. सो 10 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 5. 10 को हम 2 पे डिवाइड करके देखें, 2 5 10, तो हमारे पास आ रहा है 5. अब 5 × 12 लिख दें, ये सेम लिख दें. अब नेक्स्ट हमने 5 इसी तरह लिख देना है. अब हमने मल्टीप्लिकेशन का करना है तो 12 को 5 से करें, 60 आ जाएगा. 12 × 5 = 60. और फिर अब हमने 60 को अब हमने 5 पे 60 + 5 करना है, हमारे पास आ जाएगा 65. नेक्स्ट देखें हमारे पास है 10 − 14 / 7 × 5. सो हमने जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के सबसे पहले परफॉर्म करने हैं ऑपरेशंस, तो हम 10 इसी तरह लिख देंगे 10, और ये वाला ऑपरेशन सबसे पहले हम सॉल्व परफॉर्म करेंगे 14 / 7. तो 14 को 7 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास 7 आता है. 14 को 7 पे किया, 7 × 2 = 14. एंड 5 ये सेम एडिटिव लिख लें, क्योंकि हमने इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है. अगर एक ही स्टेप में सारे कर देंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप करें. सो 10 सेम इतना लिखते हैं. अब 5 में से 2 5 × 2 करें तो हमारे पास आ रहा है 10. सो ये माइनस अब इतना लिख दें. अब हमने ये वाला इसी तरह लिख दिया और ये हमने परफॉर्म करके लिखा है, इसका आंसर 10 आ रहा है. तो 10 − 10 हमारे पास आंसर आएगा 0. क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड पार्ट है 180 / 10 × 3 × 100. सो हम इसको इसमें देखें मिक्स ऑपरेशन है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के. सो इसको हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 180 / 10 × 3 + 100. सो 180 को हमने 10 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पर देखिए 180 10 पे किया. सो देखें 10 × 3 = 15. 8 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 3 आएंगे एंड 3 × 3 = 30. सो हमारे पास आंसर हमारा आ रहा है 33. सो इधर सॉरी यहाँ पे हम 180 को हम 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 1 = 10 और ये 8 आ गया, 10 × 8 = 18. हमारे पास आंसर आ रहा है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 0 जो है वो 0 से कट जाता है तो 18 हमारे पास आंसर आता है. तो 18 फिर ये मल्टीप्लाई बाय 3 + 100. तो 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया 54 + 10 = 54 को 10 से एडिशन करके देखें 4, 5 and 154. तो 154 आ गया हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18 × 4 + 12 / 3. सो हमने पढ़ा है कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सबसे पहले करने हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सबसे पहले करने हैं. तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट आ रहा है. सो हम इसको सॉल्व करेंगे 18 × 4. 72 + 12 / 3 ये हमने सबसे पहले परफॉर्म किया. अब हमने अब देखिए हम नेक्स्ट में है एडिशन और डिवीजन के. तो हमने सबसे पहले सो हमने सब इधर देखें 72 लिख लेंगे और फिर हम 12 को 3 पे करेंगे डिवाइड तो 4 आ जाएगा हमारे पास. और 72 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 76 हमारा आंसर आ गया. ओके टुडेज लेक्चर हैज़ कम्प्लीटेड. ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.